गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज चंदन सिंह। वेलकम यू ऑल टू इंडिया लार्जेस्ट स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी, अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसे कि शाम के 5 बज चुका है और आज जो है महासंग्राम एनटीपीसी ग्रुप डी का पार्ट 3 है। मैंने 2 पार्ट पिछले क्लास में करवा चुका हूँ और यहाँ पे तीसरा पार्ट लेकर आ चुका हूँ और 4th नंबर का पार्ट कल होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर ले फास्ट। तो सेशन स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। तो देखिए सेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। टोटल इसमें जो है अभी जब तक एग्जाम होने वाला एनटीपीसी का तब तक ये सेशन चलते रहेगी। तो मैंने पिछले दो ये दो सेशन हो चुका है, आज का पार्ट 3rd है। ये पार्ट आज का 3rd है और कल पार्ट 4th होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है। जो लोग अनअकैडमी पे हमें फॉलो नहीं किए जल्दी से फॉलो कर दें, जल्दी से फास्ट, जल्दी से। एंड देखिए अनअकैडमी ज्वाइन कीजिएगा तो क्या क्या प्रॉफिट होगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज एंड डॉट सेशन। जल्दी से शेयर मार दीजिए, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा, सभी प्लस कोर्स में देखिएगा। यहाँ पे लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज होती है, आपको मिल जाएगी सभी एजुकेटर के द्वारा। सेकेंड में आपका एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराती है, मतलब A to Z, A to Z। थर्ड में कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लासेज आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ में वीकली टेस्ट हो गए जिससे आप अपनी क्षमता को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। फिफ्थ में सभी प्लस कोर्स में डॉट सेशन होती है, मतलब कि फर्स्ट डे क्लास हुआ, सेकेंड डे क्लास हुआ, थर्ड डे। जो फोर्थ डे होगा वो डॉट सेशन क्लास होती है, आपने 3 दिन में क्या पढ़ा वो सारे डिस्कस आप अपने एजुकेटर के साथ कर सकते हैं। सिक्स में प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए आकर्षक तरीके एजुकेटर आपको बताते हैं, नए तरीके से पढ़ना, किस तरह से पढ़ना है। एंड सेवन्थ में आप डाउनलोड PDF कर सकते हैं। और एट में टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसी की वजह से आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। और नाइन्थ में क्या है, प्रॉपर गाइडेंस। जल्दी से आप सभी लोग शेयर मार दीजिए, ये आप प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फोन नंबर डालना है, ईमेल डालना है, OTP आके यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद SSC कैटेगरी में जाना है और गेट सब्सक्रिप्शन करना है। 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 6,000 पड़ेगा, 6,000। 24 मंथ के कोर्स लेते हैं 7,200 पड़ेगा। इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कोड लगाना CD10, CD10 लगाओगे जैसे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, CD10, ठीक है। ये मेरा रेफरल कोड है, CD10 लगाना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे अनअकैडमी का आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो, ठीक है। देन ये मेरी क्लास की टाइम टेबल है, देखिए यहाँ पर टाइम टेबल, मेरी क्लास की टाइम टेबल लिखा हुआ है। अगर आप YouTube की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, 9 बजे क्लास होती है। मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे NTPC ग्रुप डी का 6 बजे शाम में जो मेरी क्लास होती है ये थ्योरी पेपर की होती है, वाईफाई स्टडी SSC फाउंडेशन पे ये थ्योरी का पेपर होता है, GS का। 10 बजे रात में अनअकैडमी पे होती है MCQ, और प्लस पे होती है 7 बजे मेरी क्लास, प्लस पे होती है मेरे 7 PM में क्लास। तो जल्दी से आप सभी लोग मेरे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर दे। जो लोग फॉलो नहीं किए हैं, यहाँ आपको लगभग 120+ वीडियो फ्री मिल जाएगा ऑल GS सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन, अजीत गुप्ता, एग्रीकल्चर स्टूडेंट त्रिपाठी जी, इसके बाद कौन है, शिवांशु श्रीवास्तव, सभी लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलो तो चलो सेशन स्टार्ट किया जाए। अजीत जो भी है, शिवांशु, और कौन है, अजीत और कौन है भाई ऊपर तक, त्रिपाठी जी, तो बताइए सेशन स्टार्ट किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। रेडी है आप सभी लोग, यस बोल दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी लोग, अपना अपना जल्दी से शेयर कीजिए सेशन को, जल्दी शेयर कीजिए, सभी लोग को जोड़िए, जल्दी से सभी लोग को जोड़िए सेशन को शेयर कीजिए फास्ट में। हाँ मारिए भैया सेशन को, शेयर मारिए सेशन को, शेयर मारिए, लड़कों को जोड़िए।
लड़का जुड़ा कहाँ है जल्दी से। चलिए सेशन का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, सेशन का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, रेडी हैं आप सभी लोग। चलो देखो पहला क्वेश्चन ये है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट कौन करता है। चलो टाइम स्टार्ट हो गई, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, चलिए टाइम खत्म होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर का, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, जैसे आपको बोल सकते हैं थर्स्ट का एहसास होता है, प्यास लगता है, जैसे आपको भूख लगता है हंगर, जैसे आपको किसी से प्यार होता है लव, जैसे आप किसी से नफरत करते हैं आप उदास हो जाते हैं सैड, आप रोने लगते हैं क्राई, आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये सबको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। और ये सबको रेगुलेट कौन करता है, ये इसके अंडर में काम करता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, नोन एज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस होगा। थैलेमस की बात करें जैसे जैसे सेंटर ऑफ कोल्ड एंड हॉट एंड पेन, आप जैसे इसको गर्म पानी पीते तो आपको गर्म का एहसास होता है, कोल्ड ड्रिंक पीते तो ठंडा का एहसास होता है, तो ये सब जो है आपका थैलेमस करवाते हैं। सेरिबेलम जो है आपका बॉडी पोस्चर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप सभी लोग शेयर मार दे सेशन को, बच्चे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जल्दी से। क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इनॉग्रेटेड द फिफ्थ एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, मतलब इन न्यू दिल्ली, सॉरी न्यू दिल्ली में एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर सम्मेलन के 5वीं संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो लिखा हुआ नितिन जयराम गडकरी है, और श्रीपद यशो नायक है, राजनाथ सिंह है और अमित शाह है। राइट आंसर होगा आपका श्रीपद यशो नायक, राइट आंसर होगा आपका श्रीपद यशो नायक, सी इज राइट आंसर, यहाँ पे होगा बी इज राइट आंसर, श्रीपद यशो नायक। हमें कमेंट करके बताएं इसके पास कौन सा मंत्रालय है, श्रीपद यशो नायक के पास। भाई एक बार शेयर तो मार दो जल्दी से यार, बच्चे लोग कहाँ रह गए, जल्दी शेयर मारो यार। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन थे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। हाँ हाँ हेलो, बताइए आशीष राज, आंसर लगाइए, आंसर आंसर नहीं आ रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे हुआ इसका फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा, तो राइट आंसर होगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर होगा आपका बी, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है आपका तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया रेलवे या चाहे SSC में, तो आपसे पूछा जाएगा कि तत्वबोधिनी समाज का वो फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कथकली इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। अरे भाई अशोक सबका नाम ले रहे यार, शेर तो मारो जल्दी से। हाँ देखिए कथकली इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, तो देखिए कथकली कहाँ का है भाई, केरल की है, कथकली कहाँ की है, केरल की है, राइट आंसर आपका क्या होगा, केरला इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, जय हिंद,
गौरव पाल, जल्दी से शेयर मार दो यार। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं, कमेंट करें आंसर जल्दी से। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप सिटी ऑफ लेक की बात करते हैं, यहाँ पे किस शहर को झीलों का, तो उदयपुर इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। कमेंट करके बोलते, कमेंट में बताएं उदयपुर भारत के किस राज्य में है। कमेंट करके बताएं उदयपुर भारत के किस राज्य में है। डी आंसर लग गया है, ठीक है। चलिए 15, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग हिज डेथ? जब नाथूराम गोडसे उनको गोली मारे, जब वो मरने लगे, तो महात्मा गांधी का लास्ट वर्ड कौन सा था? महात्मा गांधी का लास्ट वर्ड कौन सा था? जल्दी से। हाँ जल्दी शेयर मार दो यार, जल्दी शेयर मारो यार। राइट आंसर होगा यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे देवेंद्र, अरविंद, अशोक, गौरव, विकास, विष्णु है ना, सुरभि, रोशन कुमार, ठीक है ना। तो आप सभी को वेरी गुड, आप सभी का मस्त अच्छा आंसर कर रहे। प्रदीप, ठीक है भाई, एक बार शेयर मार दो जल्दी से यार। सेशन सेशन पे आप लोग टाइम पे जुड़ रहे, जल्दी शेयर मारो यार, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, राइट आंसर होगा हे राम। राइट आंसर होगा हे राम, ठीक है। नाथूराम गोडसे मारे थे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ मिल जाएगा, कोई नहीं, टेंशन मत लेना, सुबह पूछना आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। शेयर मारे सेशन को जल्दी से भैया। ब्रह्मास्त्र का पार्ट 3 आ चुका है, कल पार्ट 4 है, तो जल्दी शेयर मार दो, कम से कम बच्चों को जोड़ो यार जल्दी से। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? जल्दी से। गुड गुड इवनिंग शिवम। चलिए आप सभी लोग आंसर जल्दी से लगाइए, लाइक ठोकिए एक बार जल्दी से, लाइक मार दियो भैया, लेट आप लोग लेट ज्वाइन करिए हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे ये रेजुलेशन पास हुआ था 9th ऑफ अगस्त, वो 8 अगस्त के शुरू होता है, तो 9 अगस्त बोल सकते हैं, 1942 बोल सकते हैं, 9th ऑफ अगस्त 1942। तो राइट आंसर होगा 1942। और क्विट इंडिया मूवमेंट में एक वर्ड बोला गया था, करो एंड मरो, डू और डाय की नारा दिया गया था इसी मोमेंट में। इसका मतलब यह था कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी को ये कहा गया कि इस आंदोलन में जल्दी से पार्टिसिपेट करें। भैया जल्दी शेयर मार, गुड इवनिंग मुकेश, जल्दी से जल्दी शेयर मार दो, जल्दी से ज्वाइन करो यार। 7 क्वेश्चन निकल चुका है, अभी करंट अफेयर्स का सेशन आना बाकी है, जल्दी शेयर मारो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 1942। 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन आया था, बट साइमन कमीशन 1927 में बना था। राइट आंसर होगा 1952। और 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन इंडिया आया था, ठीक है, इसे व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। 1930 में गांधी जी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए थे, दूसरा स्टार्ट किए थे आपका, बोल सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में स्टार्ट हो गया था। 1940 में बोल सकते हैं आप क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग आकाश, संजू, प्रदीप, जो है मुकेश, सभी को गुड इवनिंग। शेयर मार दो सेशन को, बहुत लेट आप सभी लोग ज्वाइन किए हैं, सेशन जो है 5 बजे से है। गुड इवनिंग भाई प्रदीप भाई, ठीक है, सतेंद्र जी है ना, यशोदा साहू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ बी में साइमन कमीशन, तो राइट आंसर होगा 1942। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी से शेयर करो, जल्दी शेयर मार दो, लाइक मार दो, सेशन गर्दा सेशन उठ जाएगा, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विच इज द नॉर्थ नॉर्थन पार्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? नॉर्थन का पार्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। सरदास, गुड इवनिंग, ठीक है भैया। आज क्वेश्चन चल रहा है, ब्रह्मास्त्र चल रहा है,
दुर्गा शंकर गुड इवनिंग, दीपक भाई जा रहे हो, चलो गुड नाइट, चलो तुम सो जाओ जाके, चलो ठीक है, कोई नहीं, राइट आंसर होगा आपका इंदिरा कौल, ये एज राइट आंसर होगा, एज राइट आंसर होगा, एज राइट आंसर होगा, एज राइट आंसर होगा, ठीक है, चलो ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ठीक है ना, इस बुक का नाम देखो यहाँ पे, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर लगाए इसका। गुड इवनिंग संदीप, जल्दी से एक बार शेयर मारो भाई, शेयर जल्दी शेयर मार दो, एक बार लाइक ठोक दो, जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो भैया, एक बार लाइक ठोक दो, पॉइंट नहीं होगा भैया, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो है एनी फ्रैंक इज राइट आंसर, एनी फ्रैंक इज राइट आंसर, ठीक है, एनी फ्रैंक इज राइट आंसर, चलो ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन बायो से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डीएनए इज एब्सेंट, किस में डीएनए एब्सेंट होता है, जल्दी से शेयर मारो, ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो जो होगा आपका यहाँ पर देखिए, लाइसोसोम होगा, ये होगा, सी होगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा बताना, तो ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नहीं, एटीपी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, देखिए मूवी हैदर मूवी देखे हैं आप लोग हैदर मूवी देखे होंगे, तो हैदर मूवी द बॉलीवुड फिल्म इज बेस्ड ऑन विच इंग्लिश ड्रामा, इस इंग्लिश ड्रामा पे वो बेस्ड है उस, ये हैदर मूवी भाई, जाट किंग जल्दी जल्दी ही चल रहा है भाई, ठीक है, तो मार दो कम से कम यार, लाइक तो ठोक दो, सेशन अच्छा लग रहा है तो, भैया एक क्वेश्चन पे हम 30 सेकंड देते हैं, 30 सेकंड देंगे, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, हेमलेट, यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होगा, हेमलेट, ए बी इज राइट आंसर, देखो 30 सेकंड हम देते हैं, 30 सेकंड देंगे भैया। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड ऑफ प्रोटीन, बताए निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर प्रोटीन से बना है, जल्दी से, रबर, कॉटन, जूट, वूल, बताए जल्दी से बताइए, चलो तो नींद आ रहा है तो आप सभी लोग सो जाइए, जिसको नींद आ रहा है सो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता नहीं भाई पोस्टमैन भर्ती का एग्जाम कब होगी, हमें कैसे पता होगा, पता करके बताएंगे भैया कौन है, अनिकेत भाई मैसेज कमेंट कर देंगे पता चले तो, है ना, चलिए यहाँ पे जो रहा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डी होगा, वो होगा, ठीक है ना, आप ऊन होगा, डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लीकेज ऑफ विच गैस हैड कॉज द भोपाल गैस ट्रेजरी इन द ईयर 1984, जो भोपाल गैस ट्रेजरी हुआ था उस समय कौन सा गैस लीकेज किया था, जल्दी से बताएं, राइट आंसर होगा यहाँ पे मिथाइल एसोसाइनेट, मिथाइल एसोसाइनेट इज राइट आंसर, ठीक है, हमें कमेंट करके बताना 1984 में जो ये हुआ था इंसिडेंट, भोपाल ट्रेजरी हुआ था,
इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कमेंट करके बताना भाई। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, एलॉय ऑफ कॉपर एंड। काश्य तांबे का एक मिश्र धातु है, किसका? निकेल का, आयरन का, टीन का, एल्यूमिनियम का, किसका? राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, राइट आंसर जो होगा टीन होगा, सी इज राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। रितिका, बितेंदर, बिरेंदर, अश्वनी, सतीश, ठीक है, नीलेश, मुकेश, नरेश, नोबिता, सुरभि, डोली, ठीक है, रोहित, संजू, रितिका, अशोक, संदीप, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, बताइएगा। प्रतिरोध के समांतर संबंध में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? करंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी, या चार्ज होगा? जल्दी से बताइए कौन सा होगा। एक बार लाइक मार दो भैया, एक बार लाइक ठोक दो, एक बार लाइक ठोक दियो, एक बार लाइक ठोक दियो, जल्दी से 50 लाइक पर आओ, जल्दी 50 तो हो जाए कम से कम। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी इज राइट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी इज राइट होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कौन? अरे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में किसे जाना जाता है, बताइएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। चलो सही है, तुम 2 बार खेलने, एक बार और कर दो, 3 बार कर दो, 2 बार क्यों, एक बार और करो सब सही रहेगा। एक बार और करो, एक बार और करो लाइक, ठीक है। राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए थे, ये पाकिस्तान वर्ड जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी या स्टूडेंट था, रहमत अली चौधरी दिया था। पी एस होता है पंजाब, केस होता है कश्मीर, एस से होता है सिंध, टान से होता है बलूचिस्तान, बोला था ये सब मेरा होगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, ना हुआ, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर अबव अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज, जल्दी से बताइएगा। पृथ्वी के सतह पर एक बिंदु से ऊपर वायुमंडल में आयोजन ओजोन की कुल मात्रा के लिए माप के लिए इकाई कौन सही है? मोल है, या डॉप्सन है, या पीपीएम है, या हो सकते हैं आपका मिलीग्राम पर क्यूब मीटर्स है। चलो सही है, लाइक किया, कुछ तो किया जीवन में यार। चलो जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से फास्ट। भैया ओजोन की बात करते हैं तो राइट आंसर डब्सन यूनिट होगा, बी इज राइट आंसर, डब्सन यूनिट होगा, डब्सन यूनिट होगा, ठीक है, डब्सन यूनिट होगा। चलो ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द नेशन व्हिच इज अ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कौन सा देश परमानेंट मेंबर नहीं है, जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन, आकाश जोशी, वेरी गुड। निकेत है, वाहिद है, रितिका है, प्रदीप है, डॉली है, ठीक है, जल्दी शेयर मार दो एक बार जल्दी, सभी अपने अपने ग्रुप में, सभी सभी लोग अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर मार दीजिए जल्दी से।
बिल्कुल 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 ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन का, जो इंडिया है ये यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई, पाकिस्तान तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब बोल सकते हैं, विच एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स, कितना होगा? 98 होगा, 84 होगा, 102 होगा या 82 होगा? जल्दी से बताइएगा। एक बार शेयर मारे जल्दी से, लाइक ठोक दिए एक बार, यार लाइक बार लाइक ठोकिए। चलिए तो राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का, क्या होगा यहाँ पे? 84 होगा, 84 इज राइट आंसर, वेरी गुड। 82, 80 नहीं, 84 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज द नेम ऑफ इंडियन काउंटर पार्ट ऑफ गूगल अर्थ प्रोवाइडेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बताइएगा। आर्यभट्ट नाम था या अंतराक्षी अंतरा बोल सकते अंतरा अंतराक्षी अंतरिक्ष नाम था या साधन नाम था या भुवन नाम था? आर्यभट्ट, अंतरिक्ष या साधन या भुवन, नाम बताना है जल्दी से, क्या नाम है भाई? तो देखो यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे भुवन होगा, भुवन इज राइट आंसर होगा, भुवन इज राइट आंसर होगा, भुवन होगा। भाई शेयर मार दो एक बार, कम से कम शेयर मारो यार एक बार जल्दी से, शेयर नहीं हो रहा यार, लाइक तो कम से कम मार दो यार दबा के, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच अमंग दिस इज अ लाफिंग गैस, कौन सा लाफिंग गैस है, इनमें से कौन सा एक हंसने वाली गैस है? छोड़ने के बाद हंसने लगेगा, ठीक है ना, दंगा वगैरह तो वहां पे छोड़ दिया जाता, ठीक है। आकाश, नील, दरी, निकेत, सुरभि, चिराग, नीलेश, प्रदीप, शिवम है ना, शिवानी। जल्दी शेयर मारिए, जल्दी से मारिए, जल्दी शेयर मारिए, ठीक है। तुक्का मत मार भाई, तुक्का मत मार, नहीं आता मत मार, आंसर तुक्का मत लगा, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो बताओ जल्दी से बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, क्या कौन सा होगा? नाइट्रस ऑक्साइड होगा, सी इज राइट आंसर, सी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रूबी, मिलन, शुभम, वीरेंद्र, चिराग, नीलेश, निकेत, प्रदीप, ठीक है ना, मीना, ठीक है, आकाश, रूबी, वाहिद, है ना, वेरी गुड, थैंक यू। जल्दी से शेयर मारिए, आप सभी लाइक मारे जल्दी से, एक बार लाइक मार दीजिए जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट मेटल टू बी अ डिस्कवर्ड, पहला मेटल यूज करने वाला, जो इंसान पहला मेटल यूज किया था उस मेटल का नाम बताना है, इंसान जो पहला मेटल यूज किया था उस फर्स्ट मेटल का नाम बताना है आपको। राइट आंसर होगा यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का होगा, तो यहाँ पे बीज, कॉपर या तांबा, बीज, कॉपर, कॉपर, ठीक है, बीज राइट आंसर होगा, कॉपर होगा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग कौन सा जो है बोल सकते हैं एलिमेंट्स यूज नहीं करते थे, कौन सा मेटल यूज नहीं करते थे? तो ट्रिक है सोचता सिटी, इसमें ये जितने लिखा हुआ है ये सारे यूज करते थे, एस से सोना, सी फोर चांदी, टी फोर तांबा, एस फोर सीसा, टी फोर टीना, और वो लोग जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं आयरन से, आयरन को नहीं जानते थे, आयरन के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका सोचता सिटी, ठीक है। हाँ भाई कुछ दिक्कत है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम एक दो दिन में सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज कैनल कनेक्ट, बताइए स्वेज नहर किस दोस्त जो है आपका सी से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है रेड सी एंड अरब सी, दूसरा है मेडिटेरियन सी एंड अरेबियन सी, तीसरा है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, और चौथा है आपका रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। तो स्वेज नहर किस दोस्त नहर से जो है कैनल से जुड़ चुका है, जुड़ा हुआ है, वो आपका आंसर बताना है।
एक बार लाइक मार दीजिए सभी लोग, एक बार अपने अपने हाइपोथैलेमस से लाइक मार दो भाई, एक बार लाइक ठोक दो कम से कम। राइट आंसर क्या होगा? रेड सी प्लस मेडिटेरियन सी। रेड सी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो रेड सी प्लस मेडिटेरियन, लाल सागर भूमध्य सागर, लाल सागर एंड भूमध्य सागर, वेरी गुड। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है भैया, कम से कम 50 तो होना चाहिए, 50 का वाला एक। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच एसिड इज यूज टू, व्हिच एसिड इज यूज टू रिमूव द स्टैंस। ठीक है, स्टैंस तो आंसर लगाना है इसमें, दाग हटाने, जैसे शर्ट वगैरह पे, ये जैसे शर्ट वगैरह पे जो धब्बा लग जाता है, दाग लग जाता है, उस दाग को हटाने के लिए इसमें कौन सा एसिड का यूज होगा, उसमें कौन सा एसिड का यूज होगा? व्हिच एसिड इज यूज टू रिमूव द स्टैंस, तो दाग हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्जिलिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, एमडी रहमान, फजल भाई आराम आराम से चलता है, आप चिल्ला चिल्ला के, आप जल्दी जल्दी में, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आराम से। ठीक है, थैंक यू, आराम से भाई, आराम से यार, धड़पड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो यार। 24 नंबर क्वेश्चन का, आप लेट लग रहा है तो तुम इंटरेस्टेड नहीं तो भैया जा सकते हो तुम। राइट आंसर ऑक्जिलिक एसिड। ठीक है भैया, आराम से रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ एमडी रहमान से। चलिए देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। द अर्लिएस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, जल्दी से लगाना आंसर। भैया यहाँ जीएस की सवाल है, मैथ्स की सवाल नहीं है, ठीक है ना, जीएस का सेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स सवाल नहीं होती है। ठीक है भैया, अनअकैडमी पे सर्च कर लो ओम प्रकाश, ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है ना भाई, टेंशन ना लेना है। राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पर सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ निम्न में से किस शिलालेख में मिला है, तो उस शिलालेख का नाम बताना है आपको। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त, एरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त जो था यहाँ पे मिला है। ठीक है, चलो ये आंसर, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स, देखिए बताइए राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे इंफ्रा रेस होगा, ये लो पावर के होती है रेस, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इंफ्रा रेस। ठीक है, ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मेइबोमियन ग्लैंड आर लोकेटेड इन, ये ग्लैंड बॉडी के कौन से ऑर्गन्स में होता है? मेइबोमियन ग्लैंड्स, पहला ऑप्शन आईज, ईयर्स एंड स्किन एंड नोज, चार ऑप्शन है, जल्दी से आपको आंसर लगाना है। ठीक वर्मा, गुड इवनिंग। डिटेल बताएंगे तो कहोगे और क्वेश्चन लेट हो रही है, एक क्वेश्चन में 5 मिनट ले लेंगे फिर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ये आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा, ये जो आपका पलक होती है ना, ये इसके जस्ट नीचे होती है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ, रमेश गुड इवनिंग।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में बोला जाता है सेबी बोला जाता है, इसे शॉर्ट में सेबी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो ये होगा बी होगा स्टेचुरी रेगुलेटरी बॉडी होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसका जो फाउंड हुआ था ये आया था 1988 में, बट इसको स्टेचुरी पावर मिला था ये 12 अप्रैल 1992 में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये इसका मुंबई में है, आप पता होगा आपको, और ये सेक्टर कैसा है, सिक्योरिटीज मार्केट सेक्टर है, ठीक है। और इसका जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट है चेयरपर्सन, उसका नाम है अजय त्यागी, प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग, ठीक है। और अगर एक वेब सीरीज देखिएगा 1992 स्कैम हुआ था, इसका भी इसमें देखिएगा लॉस हुआ, इसके बाद ही इसको पावर ज्यादा मिला था सेबी को, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, अगर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो विक्रमशिला पाल डायनेस्टी के मेंबर धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के मेंबर धर्मपाल, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था, यहाँ पे महायान के सेक्ट, सॉरी बौद्ध धर्म के जो है एक सेक्ट था, तीन सेक्ट था, एक हीनयान, महायान, बज्रयान। तो बज्रयान का पढ़ाई यहाँ पे होता था, ठीक है। जो ये था आपका अंग नरेश, अंग का राजधानी चंपा है, भागलपुर का इलाका था, तो भागलपुर में था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और वो इलाका था, उस इलाका को अंग कहा गया था, अंग नरेश प्रजापति कर्ण थे और उसका राजधानी चंपा था, इसमें कटिहार पूर्णिया जो है अररिया ये सब आता था आपका भागलपुर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 30 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फेरिज, डेजर्ट, ओपन ओशियन, या एस्चुरी, या टुंड्रा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा होगा एस्चुरी होगा, जो एक रिवर है, जो रिवर का मुहाने होता है ना, वहाँ पे जो है एक दो रिवर मिलती है और वहाँ पे अगर किसी सागर में डिस्चार्ज हो रही है वहाँ पे एस्चुरी बनाती है, सी इज राइट आंसर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स, चलिए आप सभी लोग रेडी हैं, अभी 20 करंट अफेयर्स होकर जल्दी से एक बार लाइक मार दीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगा करंट अफेयर्स का सेशन, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताइए, सभी लोग रेडी है, यहाँ से स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स का सेशन, तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, यहाँ से रेडी है तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। एक बार लाइक मार दे सभी लोग, एक बार लाइक मार दे जल्दी से। चलो चलो आपका जो है पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आने वाला है आ गया, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दें, जल्दी शेयर मार दें एक बार, और एक बार लाइक मार दें सभी लोग जल्दी से, 100 करो भाई, 100 तो करो लाइक कम से कम। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च लॉन्ग मार्च 8 इनटू अ प्रेजेंट ऑर्बिट इन इट्स मेडन फ्लाइट। किस देश ने लॉन्च मार्क 8 को अपनी पहली उड़ान में वर्तमान कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, यूएसए एंड फ्रांस, तो बताना है आपको 31 नंबर क्वेश्चन, ये कल या परसों का करंट अफेयर्स है, जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से बताइए फास्ट। हाँ वेरी गुड, तो राइट आंसर होगा आपका चाइना, चाइना का कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग वहां के, तो राइट आंसर होगा आपका चाइना, ठीक है।
वेरी गुड वेरी गुड भैया, शेर मारो दबा कर। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है। इन विच स्टेट द इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोल शिप सुजीत हैज लॉन्च, सुजीत हैज लॉन्च। भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज सुजीत ने किस राज्य में लॉन्च किया गया, मतलब किस राज्य ने जहाज सुजीत को लॉन्च किया है। गोवा है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। जल्दी से आंसर लगाओ भाई। लगाओ जल्दी से आंसर भैया, जल्दी से लगाओ यार। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा यहाँ पे गोवा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। विच गवर्नमेंट हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट फ्रूट्स पोर्टल इन देयर स्टेट्स, तो किस राज्य ने अपने राज्य में फर्स्ट फूड पोर्टल का लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बात कर रही है फर्स्ट फ्रूट्स पोर्टल, जिससे आप वहां से जो फ्रूट्स होंगे जनता के लिए क्या होंगे, वहां से डायरेक्ट वहां से स्टोर करके वहां से सेल किया जाएगा। तो ये जो स्टेट स्टेट का नाम है 33 नंबर का, ये स्टेट का नाम है कर्नाटका। सी इज राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटका। हमें कमेंट करके बताए कर्नाटका का गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताए कर्नाटका का गवर्नर कौन है। ठीक है, क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। द नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ डेट इन इंडिया। नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। भैया एक बार शेयर मार दो, जल्दी से एक बार शेयर मार दो। ठीक है, तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का, 34 नंबर क्वेश्चन जब होगा आपका आंसर, यहाँ पर 24th of December होगा, 24 दिसंबर। वेरी गुड, 24 दिसंबर इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है। इन विच स्टेट श्री अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च अ न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट। बताइएगा श्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में एक नया ट्राइब्स इंडिया आउटलेट किया, मतलब स्टार्ट किए हैं। त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में या झारखंड में। भैया जो लोग हमें अनअकैडमी फॉलो नहीं मारा, जल्दी से फॉलो मार दो, यहाँ से सारे फ्री क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का होगा, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा असम होगा। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, असम होगा। ठीक है, असम का सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। असम का सीएम गवर्नर कौन है, यार इतना पढ़ते हो कम से कम इतना तो बताते रहो, रिकॉल होते रहेगा। ठीक है, चलो, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड के। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट। पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए भारत के प्रथम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, किस शहर में, किस शहर में। 36 नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। भैया एक बार लाइक मार दो, एक बार कम से कम लाइक फूक दो यार। हाँ हाँ मुस्कान, फास्ट ही चल रहा है, अब इतना फास्ट नहीं करना है, 30 सेकेंड तो लगेगा एक क्वेश्चन पे, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है भैया? गुरुग्राम कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दिल्ली का जो केजरीवाल सीएम है, ठीक है, आम पार्टी का। चलो 37 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी कोलेबरेटेड विथ पे यू टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज पेमेंट फ्लो फॉर मर्चेंट्स। टोकनाइज पेमेंट, जल्दी से बताइएगा भैया। 5 सेकंड का सिस्टम नहीं है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं वहां भी 30 सेकंड मिलता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पे। तो इसलिए मैं 30 सेकंड यहाँ पे लगा के रखता हूँ, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जल्दी से शेयर मार दो भाई, जल्दी से शेयर मार दो, एक बार लाइक ठोक दो। 100 लाइक करो, 100 भी नहीं हुआ अभी तक। कुछ पार्ट दिल्ली का जो है गुरुग्राम हरियाणा में आता है, कुछ पार्ट दिल्ली में आता है ना। तो देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे, जो 37 नंबर क्वेश्चन का होगा यहाँ पे गूगल पे। राइट आंसर होगा गूगल पे। ठीक है, अब शेख रंजन, गया में तो बहुत ठंड है, वो तो कहा ही जाता है, अगर पूरे बोल सकते बिहार का ठंड जिला है और सबसे गर्म जिला भी गया ही है। ठीक है, बोध गया जाकर विजिट कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन इंडिया बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। जल्दी से बताइए इसको कौन से को ऐड किया गया, मान्यता किसको मिला, किस खेल को। चलो सही है भैया, शेयर मार्केट पे लाइक ठोक दो यार जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है खो खो, दूसरा है कबड्डी, तीसरा योगासन और तीसरा है लास्ट में ए भी दोनों है योगा। योगा की बात करते हैं ना भाई, पटना में ठंड है बहुत। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। अगर योगा की बात करते हैं तो 21 जून को मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये योगा की बात करते हैं, योगा सूत्र का जो ऑथर था उस ब्राह्मण का नाम था पतंजलि। ठीक है, हाँ चलो, कहाँ से हो, कष्टा पर या बेलाचाकन या मानपुर से हो। ठीक है, तो देखो योगा में जो है यहाँ पे जो पतंजलि है या शेरघाटी से, पतंजलि का योगा का ऑथर था पतंजलि, और पतंजलि पुष्यमित शुंग के कोर्ट में रहते थे। पतंजलि पुष्यमित शुंग के कोर्ट में रहते थे, ठीक है, और उसने बुक लिखा था योग सूत्र, ठीक है, और इसी बुक को बाबा रामदेव अपना जो है योगा सिखाते हैं, और जो है दूसरी बात क्या करते हैं, इनके बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का नाम क्या है, पतंजलि। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल ओ मिजोरम। ये बुक रिलीज किए हैं, अब मैं बता दूं आपको, हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है श्री वेंकैया नायडू जी, वो जो है वेंकैया नायडू जी, पुनीत गुड इवनिंग, ये रिलीज किए हैं। तो इसका कौन ये लिखे हैं, इसका लेखक कौन है, जल्दी से बताना भैया। एक बार लाइक मारियो, शेयर मारियो जल्दी से दबा के भैया, 100 पुराओ कम से कम। चलो अच्छी बात है, गिला जो है गया से हो तो अच्छी बात है। चलो देखो भैया, राइट आंसर जो होगा ये गवर्नर है, मिजोरम का एक गवर्नर है। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात बोल सकते हैं, एम वेंकैया नायडू एंड अ रिलीज बुक ओ मिजो एंड रिटेन बाय गवर्नर ऑफ मिजोरम पी एस श्रीधरन पिल्लई। समझ गए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू रिलीज बुक ओ मिजोरम रिटेन बाय गवर्नर ऑफ मिजोरम श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो एज राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है आंसर यहाँ पे, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट न्यू ऑनलाइन फायर सेफ्टी अप्रूवल सिस्टम। बताइए कौन से स्टेट में ये अभी जस्ट इसको अप्रूवल मिला है, 3 5 6 दिन पहले की बात है। चलो भैया आंसर लगाओ इसका, एक बार लाइक ठोको यार जल्दी से, एक बार लाइक ठोक दो। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देखो भैया 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गुजरात। देखो गुजरात की बात कर लेते हैं ना, विजय रूपानी सीएम है, आचार्य देवराज क्या है वहां का गवर्नर है। ठीक है, तो
गुजरात होगा, गांधीनगर कैपिटल है, ठीक है ना। गुजरात की बात कर लेते हैं तो वहां पे वंसदा नेशनल पार्क है, गीर नेशनल पार्क है ना, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क है वहां पे। चलो 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट विच कंट्री इज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन एशिया, बताइएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा देश है, उस देश का नाम बताना है भैया, सबसे भ्रष्ट देश। मोदी जी भी है, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे इंडिया होगा, इंडिया इज राइट आंसर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, टिल व्हेन डिड द हज एक्सटेंडेड हज ऑन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स, तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन से। ये करंट अफेयर्स 1 महीना पहले का, ये करंट अफेयर्स 1 महीना पहले की है, नवंबर की है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज लॉन्च इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, देखो यहाँ पे क्या किया है, क्या है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ये इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, बताइएगा आप 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावेदकर या अमित शाह, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्रकाश जावेदकर। प्रकाश जावेदकर की बात करते हैं तो इसके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके पास स्पेस है। राजनाथ सिंह हमारे देश के जो है वो सदर डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, वीरेंद्र गुड इवनिंग, ठीक है। 44th नंबर क्वेश्चन है, 44th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नेम्ड अ वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी, बताइए वर्ड ऑफ द ईयर, इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर कौन से जो वर्ड है, पेंडेमिक है, क्वारंटाइन है, कोविड-19 है, लॉकडाउन है। गुड इवनिंग भाई वीरेंद्र भाई, एक बार आप सभी लोग लाइक ठोक दीजिए, एक बार आप सभी लोग एक बार लाइक ठोक दीजिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वारंटाइन, क्वारंटाइन वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर माना गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग माना गया, ठीक है। चलो क्वारंटाइन सब। 44th नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अनाउंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुमा, पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बताइएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है आपको, प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट है, डुआ लिपा है, आलिया भट्ट है, सानिया मिर्जा है। देखो तो पुमा का ब्रांड एम्बेसडर ना तो प्रियंका चोपड़ा है, ना तो आलिया भट्ट है, ना तो सानिया मिर्जा है, ये डुआ लिपा है, ये एक बोल सकते हैं इंग्लिश सिंगर है,
इंग्लिश सिंगर है, ठीक है, इज राइट। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच सिटी रोड कंस्ट्रक्शन हैज बिगन बाय यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क निर्माण शुभारंभ किया गया है। भाई योगेश क्या हो गया, तुम काहे परेशान हो, योगेश काहे परेशान हो, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया भाई, योगेश बताओ क्या हो गया। एक बार लाइक मार दो भैया, एक बार लाइक मार दो। राइट आंसर होगा लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, किस यूपी का राजधानी लखनऊ है ना, ये लखनऊ नहीं, करीना कपूर नहीं है, ठीक है। चलो 47 नंबर क्वेश्चन है, वो ऑन यूएस प्रेसिडेंटल इलेक्शन, पता है कौन जीते हैं अभी फिलहाल, या आईएस के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं। भैया आईएस के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, आकाश जोशी नहीं है, करीना कपूर नहीं है, ठीक है, जो बाइडेन होगा सी इज राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट EOS-1, EOS-1 एंड 9 अदर सेटेलाइट, बताइए कौन सा देश लॉन्च किया है। भाई देखिए राइट आंसर जो होगा 48 नंबर क्वेश्चन का, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, इंडिया, इंडिया इज राइट आंसर, ठीक है, इंडिया इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस IVCS साइट इन बेंगलुरु विद 60 वुमेन। प्रशांत गुड इवनिंग, आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक मार दियो भैया, आप उनको एक बार लाइक ठोक दियो जल्दी से, शेयर को सेशन मार दो शेयर, और जो लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए अन अकेडमी पे फॉलो कर दे, यहाँ ज्वाइन कर दे। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा अमेजन होगा, ठीक है, जो है बी इज राइट, बी इज राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यार 100 करो, जल्दी से लाइक मारो यार, जल्दी से लाइक मारो जल्दी, जो लोग लाइक नहीं किए जल्दी से मारो, उसका मार दो भैया लाइक, फ्लिपकार्ट नहीं होगा, फ्लिपकार्ट ठीक है ना, अमेजन होगा, ठीक है। इसका जो फाउंडर था मतलब सीईओ है कौन है, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस इसका सीईओ है, और ये बना कब था, हाँ भाई क्रेजी एंटरटेनमेंट, भाई तुम्हारा नाम ले लिया, 5 जुलाई 1994, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए चलो भैया, विच टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफ अपॉइंटेड जगवीर सिंह एज इट्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO, बताओ जगवीर सिंह का बारे में बताइए कुछ भैया, कौन से कंपनी को बनाएगा जगवीर सिंह, तो 201 करो ना, 201 करो भाई, 100 से काम नहीं चलेगा। टोटल भैया आज के सेशन में 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है आज का सेशन में, टोटल 80 क्वेश्चन है। चलिए
कुछ नहीं होता है। राइट आंसर होगा वोडाफोन है आइडिया, वोडाफोन आइडिया, दोनों में मर्ज हो गया था ना, वोडाफोन आइडिया। 51 नंबर क्वेश्चन है, म्यूजिशियन क्रस काले, मैंने वही लिखा हुआ है ना, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर लिखा म्यूजिशियन क्रस काले बैग द बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड एट द 14th एनुअल एशियन फिल्म अवार्ड फॉर द विच मूवी। वर्षा काले लिखा हुआ, कार्स काले होगा, कार्स काले। लुटेरा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बेफिक्रे गली बॉय। ठीक बताइए भैया, उसमें जो सिंगर, तो सिंगर का नाम क्या था जो अवार्ड दिया गया है, जिसे 14th एनुअल एशियन फिल्म अवार्ड्स में अवार्ड दिया गया था, और उस मूवी का नाम बताना है कमेंट में, उस मूवी का नाम आंसर बताना है, लुटेरा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बेफिक्रे एंड गली बॉय। तो भैया गली बॉय होगा, रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट है ना, यही थी ना दोनों। चलिए वेरी गुड, शेयर मारो एक बार जल्दी से, लाइक मार दो सभी लोग जल्दी से। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड इशूइंग अबोसर प्रोडक्शन फॉर मेजर मलेरिया मलेरिया आउटब्रेक फ्रॉम नेक्स्ट मॉनसून। बताइए उसका नाम, बताइए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। इसरो है, आईएमडी है, मतलब आईएमडी का मतलब होता है, बोल सकते हैं इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है चलिए, ना टाइम आएगा बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, बी इज राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर होगा। भैया तुम्हारा भी टाइम आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है चलो, 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल लाइंस, है ना, ई लाइंस इंश्योरेंस, इलनेस इलनेस इंश्योरेंस ऑन फ्लिपकार्ट एट द स्टार्टिंग प्रीमियम ऑफ जस्ट ₹153 फॉर कवर ऑफ ₹1 लाख प्लस क्रिटिकल जो है बोल सकते हैं इलनेस कवर ऑफ 10,000। तो बताइए इसका नाम क्या है, किस बीमा कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमारी की जो है आपका एक बीमा शुरू किया है, और शुरू किया है जो कि महज बोल सकते हैं आपको ₹153 का जीवन कवर करने के लिए, यहाँ पे बात करें 1 लाख के देने के लिए बात करें, ठीक है, तो उसका नाम बताना भैया। भैया अखिलेश, राम राम भाई, हैप्पी बर्थडे पवन खा, क्या लिखा है, खंडारे, ठीक है ना, तो पवन खंडारे आप ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप जो है जल्दी से नौकरी ले लें, आपका आज बर्थडे है, ठीक है ना, तो आप अच्छे से आपको इस अगले बर्थडे तक आपको अच्छा नौकरी मिल जाए, ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे भाई। ठीक है चलो, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, ए इज राइट आंसर ना, बजाज ना भैया, ए है, ठीक है चलो। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नेशन अनाउंस चेंज इट्स टू इट्स इस्लामिक लॉ, किस देश ने कहा है कि इस्लामिक लॉ को चेंज करना है, जो पहले से उसको उसमें कुछ सुधार करना है, कुछ चेंज करना चाहिए, ठीक है, तो उसका नाम बताइएगा। एक बार शेयर मार दो भाई, एक बार लाइक मार दो सभी लोग, एक बार शेयर मार दो, एक बार लाइक मार दो, हमारे वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, एक बार अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दे, एक बार मतलब इंट्रोडक्शन मतलब कि अपना सिटी का नाम लिख के सेंड करें एक बार प्लीज, ठीक है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका यूएई, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, ठीक है, अरब इमराज, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो आपका सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है चलिए वेरी गुड। इसका कैपिटल है अबू धाबी, इसका कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है चलिए वेरी गुड, आप सभी लोग बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का नाम है, यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, बस हम आपको हम बताते जा रहे हैं, प्रेसिडेंट का नाम होगा खलीफा बिन
जयाद अल नाहन, ठीक है ना, यहाँ का, यहाँ का प्रेसिडेंट है। चलो ठीक है, वेलकम टू उत्तराखंड। चलो वेरी गुड। चलो 55 नंबर क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन इज टू बी रिनेम्ड आफ्टर, बोल सकते श्रद्धा धो सिद्धारोधा स्वामी, सिद्धारोधा स्वामी के नाम पर बनाया, उस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है, सिद्धारोधा स्वामी, ठीक है ना। एस्केर वाई लाहौर। चलो आप सभी लोग अलग अलग शहर से हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। भुवनेश्वर। एक बार आप सभी लोग, जो लोग लाइक नहीं किए कम से कम लाइक मार दे। चलिए राघव भाई, गुजरात का हाल ठीक है, तो स्टेशन का नाम क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। उस स्टेशन का नाम क्या है जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर आ चुका है, यहाँ पे सभी लोग आंसर दे दिए हैं, है ना, यहाँ पे सभी लोग आंसर दे चुके हैं। राइट आंसर होगा हुबली, राइट आंसर होगा हुबली, ठीक है ना, वेरी गुड। तो हमें कमेंट करके बताइए भारत के किस राज्य में हुबली है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो भारत के कौन से राज्य में, कर्नाटका में हुबली है, कौन से राज्य में भैया, कर्नाटका में, ठीक है। ठीक है, दूसरा बात कर दें तो यहाँ पे द ट्विन सिटीज हुबली धरवाड़ फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट बाय पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ कर्नाटका इन टर्म्स ऑफ एरियाज, ठीक है भैया, ठीक है, नेक्स्ट करें। चलो चलते हैं, चलो आकाश जोशी वेरी गुड। चलो 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर आराम से लगाना क्वेश्चन, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव्स, इको ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। हाँ ये दोनों मैम एमएस, ये दोनों हुबली एंड बोल सकते हैं आपका हारवार्ड, ये दोनों ट्विन सिटी है भाई, ठीक है। प्रदीप भाई मेरी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, सर्च कीजिएगा चंदन सर वाईफाई स्टडी। 57 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांट जो है प्लांटेड ट्रीज इज नोन एज, इसका आंसर हम बता दिए ना, एक सेकेंड, इसका आंसर बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रिफ्लेक्शन, ए इज राइट, ए इज राइट। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, रिफ्लेक्शन, 57 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, एक बार लाइक मार दो भैया, एक बार लाइक ठोक दो। चलो भारत, चलो सही है, चलो रविंदर जी नमस्कार नमस्कार, आंसर लगाएं, एक बार आप सभी लोग शेयर मार दे भैया, एक बार शेयर मार दो, लाइक ठोक दो भैया, जो लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो यार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जो है टांगिया प्रणाली होगा, टोंगे सिस्टम होगा, टोंगिया सिस्टम, सी इज राइट। 56 का आंसर लगा, 56 का ए होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखना। 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स, इनमें से कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार बनता है, जल्दी से देखिए, जो लोग सेशन देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर मार, मतलब शेयर मार दो और एक बार लाइक ठोक दो, कम से कम लाइक तो ठोक दो भैया, वो तो है ही, हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी,
यहाँ पे कर्नाटका के अंदर जो ट्विन सिटी है ना उसका नाम बता रहे थे। भाई टेंशन कहाँ ले रहे हो। चलो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, सेलुलोज। सेलुलोज डी इज राइट, डी इज राइट, नोट नोट सेलुलोज। 59 नंबर क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा द फेमस पेंटर बिलोंग्स टू हिच स्टेट। राजा रवि वर्मा के बारे में बताएं कहाँ से बिलोंग करता है, राजा रवि वर्मा कहाँ से बिलोंग करता है, जल्दी से हमें बताएं राजा रवि वर्मा। इंडियन पेंटर है ये, भारत के किस राज्य से है बताइएगा। उड़ीसा आंसर नहीं होगा, आगे बढ़ो। उड़ीसा आंसर नहीं होगा, उड़ीसा आंसर नहीं होगा, आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या होगा, केरल इज तरवन कोर। तरवन कोर का नाम सुने हो, तरवन कोर इज राइट आंसर, वेरी गुड, केरल। ठीक है, तरवन कोर इनका जो है 29 अप्रैल 1848 में बर्थ हुआ था, और इसका दर्द ये 2 अक्टूबर के गांधी जी के साथ ही मरे थे बट डेट सेम था, ईयर चेंज था, 1906 था। ठीक है ना, इनका हाँ किली मनोर, वेरी गुड, वेरी जगह का नाम है, इस जगह का नाम है, बोल सकते हैं इस जगह का नाम है, बिहार तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, बिहार का मिथिला पेंटिंग फेमस है, बिहार का मिथिला पेंटिंग फेमस है, मधुबनी मिथिला पेंटिंग, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। इसे इसे एक अवार्ड मिला था, इसे एक अवार्ड मिला था जब पहले चलता था, उसका नाम था केसर ए हिंद गोल्ड मेडल मिला था इनको, केसर ए हिंद को उपाधि, ये याद रखिए, केसर ए हिंद को उपाधि इनको मिला था, किसको, रवि वर्मा जी को, गांधी जी को मिला था, वापस कर देते गांधी जी। ठीक है, चलो भैया 59 नंबर क्वेश्चन, अरे यार दो बार 59 आ गया भाई, चलो कोई नहीं, इसको 60 बना दो। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, ना भैया आ जाएगा, आ जाएगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं होगा, टेंशन ना लो भैया। आप 50 नंबर को 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जल्दी से बताइएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ वेरी गुड, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप देखो, अब मैं ट्रिक बता दूं यहाँ का, मध्य प्रदेश का ट्रिक बता दूं, ऑल नेशनल पार्क का बताओ, यस या नो। देखो ट्रिक है, दो ट्रिक बनेगा, पहला है गॉड का बंधन, देख भाई, एक भगवान वरदान देते हैं, दूसरा भगवान उसको छीन लेते हैं। रावण को जो है वरदान दिए शिव भगवान, और विष्णु जी राम रूप में आके संहार कर दिए। भस्मासुर को वरदान दिए जो है आपका शिव भगवान, फिर विष्णु भगवान मोहनी रूप आके उसे नरसंहार किए, तो गॉड का बंधन। ठीक है, तो पहला ट्रिक है गॉड का बंधन, तो पहला नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा नेशनल पार्क की बात करते हैं,
माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, और तीसरा नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये तीन इस ट्रिक में आ जाएगा, कैसे बोलिएगा। तो कान्हा किसका नाम है? कृष्ण भगवान का, ठीक है। और महादेव किसको नाम है? शंकर भगवान का। ये दोनों का बंधन है, गॉड्स मतलब दोनों, महादेव और विष्णु दोनों एक दूसरे रिलेशन में मतलब बंधन है। तो कान्हा महादेव दोनों, बंधन से होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बंधन से होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरी बात होती है, ये तीनों समझ में आ गई, बंधन से होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और भी नेशनल पार्क है, थोड़ा मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इसको हटाता हूँ। हमारा देश में एक बड़े भाई एक छोटे भाई के बीच डिस्टेंस क्रिएट होता है, लोग बड़े भाई को छोटे भाई से लहजा रखते हैं, ठीक है। तो मेरा बड़े भाई का पान खाने का आदत है, चोरे छुपे घर में पान खा के आ जाता है, पान खाता है, पापा को पता नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, गुमती पे पान खा रहा था, हम देख लिए, पहले क्या भाई, हम मेरा भाई का नाम संजय था, हम बोले क्या संजय भाई, पान वान आते रहते हो, पांच सात हमें भी दे दो, चॉकलेट खा लेंगे, ठीक है। तो देखो पांच सात हमें भी दे दो, ठीक है। तो देखो क्या संजय, तो संजय से यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे संजय नेशनल पार्क, संजय से क्या होगा संजय नेशनल पार्क, पान से क्या होगा पन्ना नेशनल पार्क, पान से पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। अगर देखिएगा वन से बात करते हैं तो वन से वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। पांच 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 से याद रखिएगा पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। सात सात से याद रखिएगा सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। अगर आपको और भी नेशनल पार्क है, कुन्नू नेशनल पार्क है, कोई एक्सेप्शन में ये ट्रिक में कुन्नू नेशनल पार्क। अगर आपको समझ में आ गए तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, ये ट्रिक समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से आप सभी लाइक मार दीजिए। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो एक बार लाइक ठोक दीजिए, जल्दी से लाइक ठोकिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रॉन कोल, ब्रॉन कोल का अदर नेम क्या है, ठीक है। पहला है एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट एंड लिग्नाइट कोल एंड बिटुमिनियस कोल, बिटुमिनियस कोल, है ना। तो आपको लगाना है ए बी सी डी, ठीक है। देखो भैया लाइक ठोक दो भैया एक बार जल्दी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे जो है लिग्नाइट, जो है आपको बोल सकते हैं कोल होगा, सी इज राइट, सी इज राइट, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, लगाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है व्हिच अमंग दिस इज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया, टाइमिंग बीच में आ गया। लिग्नाइट कोल की बात करते हैं, ये हाई क्वालिटी का कोल है, दूसरा नाम ये झारखंड में, उड़ीसा में, सबसे ज्यादा झारखंड में 83%, उड़ीसा में आपको लगभग बोल सकते हैं 79% ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हिंदी वाला ऑप्शन चुक गया, थर्मल पावर होगा, थर्मल पावर इज राइट आंसर, थर्मल पावर इज राइट आंसर। चलिए साइड हो गया भाई, ठीक है। इन द ई वेस्ट जनरेटेड बाय मोबाइल फोन विच मेटल इज अबंडेंट, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो कॉपर होगा, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपर, ठीक है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 64 नंबर क्वेश्चन है व्हिच अमंग दिस इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च, नेलोन या न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलोज,
ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन नेचुरल पॉलीमर नहीं है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ठीक है। हाँ फोर नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएं। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 64 नंबर से नायलोन होगा। बी इज राइट, बी इज राइट। 65 नंबर क्वेश्चन है, सतारिया इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। सतारिया कहाँ का फोक डांस है? ठीक देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा असम होगा। सतारिया कहाँ का फोक डांस है? असम का, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। बताइएगा संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है कल्हण, दूसरा है पाणिनि, दूसरा है बदौनी और बदायूनी और लास्ट में कालिदास, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पाणिनि, ठीक है। कल्हण तो राज तरंगिणी लिखा था जम्मू कश्मीर के बारे में, पाणिनि हो गए जो महापद नंद के मित्र थे और इसी ने जो है आपका बोल सकते हैं इसी के वजह से महापद नंद एक डायनेस्टी बना लिया था जिस डायनेस्टी का नाम था नंद डायनेस्टी, ठीक है। और उसी में एक रूलर था राजा हुआ, इसका नाम था धनानंद और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य किल किया और यहाँ से मौर्य डायनेस्टी बनता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड यूज इन अ प्रिकली हीट पावर टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीट। अत्यधिक गर्मी को रोकने के लिए काटेदार गर्मी पाउडर का इस्तेमाल किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? कार्बोनिक एसिड हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गई या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी। सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए अगर 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोरिक एसिड होगा। सी इज राइट, बोरिक एसिड होगा। गर्मी के टाइम में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, पाउडर में जो यूज होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इन विच फील्ड डिड अमर्त्य सेन विन द नोबेल प्राइज? कौन से क्षेत्र में दिया? मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स या वेलफेयर इकोनॉमिक्स या लेबर इकोनॉमिक्स, किस में दिया गया था अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड? ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर लगा दो। तो राइट आंसर होगा आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इनको जो है नोबेल अवार्ड दिया गया था 1998 में। तो तुम्हारा बताओ क्या, इधर क्या, इधर क्या, मतलब, ठीक है। सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो 69 नंबर क्वेश्चन है, मजल खान हु फॉट द शिवाजी वाज द रूलर ऑफ। मजल खान, मजल खान शिवाजी के साथ लड़ने वाला मजल खान किसका शासक, मतलब कहाँ का शासक था, किसका नहीं, ये होगा कहाँ का शासक था, बताना है आपका आंसर। कहाँ का शासक था भैया, कहाँ का शासक था?
चलो भैया, मजल खान के बारे में बताओ जल्दी से। मजल खान कहाँ का था भैया? आंसर नहीं आ रहा, जल्दी से आंसर लगाओ भाई। अच्छा मजल खान जो था भैया, 69 नंबर क्वेश्चन, ये बीजापुर का शासक था। कहाँ का शासक था? बीजापुर का था, बीजापुर। ठीक है, नहीं, गोलकंडा नहीं था, बीजापुर था। 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑफ। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यकाल कितने दिन का होता है? एक बार लाइक ठोक दो भैया आप सभी लोग। राइट आंसर होगा 6 ईयर। ठीक है, और 62 ईयर में ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। एक बार लाइक मार दो भाई, एक बार लाइक मार दो कम से कम, एक बार लाइक ठोक दियो। 71 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड द ट्रेवलर इबन बतूता कैम फ्रॉम? भैया इबन बतूता किसके कोर्ट में आया था? इवन बतूता किसके कोर्ट में आया था? सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जो होगा आपका मोरक्को। ठीक है, देखिए उस समय इंडिया में तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे, एमबीटी रूल कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, और पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। ये 5 डायनेस्टी, ये तुगलक डायनेस्टी का था। और इसका पुराना नाम, पहला जो नाम था जौना खान, अपने बाबूजी के मरवा के गद्दी पर बैठा था। और पूरे दिल्ली सल्तनत में जितना सुल्तान हुआ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे था, और अपने लाइफ में जो भी काम किया फेल हुए। इसके कोर्ट में जब इवन बतूता पहुंचा, अपने दोनों सूज को हाथ में ऐसे करके ले लिया, जैसे एंटर करता है तो कहता है आइए आइए कहाँ से आए हैं? तो बोले कि हम तो आए हैं भैया मोरक्को से आए हैं। तो इवन बतूता कहते ऐसे ही आ गए हैं? तो बोले हाँ ऐसे ही आए हैं। उसको तुरंत मोहम्मद बिन तुगलक इमेजिनेशन कर लिया कि मेरे पूरे वर्ल्ड में कितना इज्जत है कि लोग जूते हाथ में लेके आते हैं हमको रिस्पेक्ट करने के लिए मेरे घर तक, आइए। और इसको तुरंत उस टाइम क्या बना दिया? काजी बना दिया। और 1342 में एम्बेसडर बना के उसको चाइना भेजा था इबन बतूता को। इबन बतूता का एक पुस्तक था, बुक था, जिस बुक का नाम था रेहेला, जिसमें अपने बारे में, इसके बारे में लिखता है। ठीक है, तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द स्लेव ऑफ अ स्लेव? दासों का दास किसे कहा जाता है? दासों का दास किसे कहा जाता है? एक बार लाइक मार दो भाई, सेशन सही लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर मारियो जल्दी से, एक बार लाइक शेयर मारियो भाई। तो राइट आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। देखिए मोहम्मद गोरी का 3 गुलाम, कुतुबुद नेवक, यल्दोज एंड कुबाचा। कुतुबुद नेवक का दामाद एंड गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का बलवान। तो गुलाम गुलाम गुलाम, तो क्या होगा? इल्तुतमिश। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित था? एजुकेशन पे, बर्थ पे, ऑक्यूपेशन पे या टैलेंट पे? तो 73 नंबर क्वेश्चन बताना है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये ऑप्शन थोड़ा गलत लग रहा है हमको, तो व्यवसाय बोलते हैं, व्यवसाय।
राइट आंसर होगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होगा राइट आंसर। एज राइट आंसर, ऑक्यूपेशन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, मलिक काफूर वॉज जनरल। मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर रहिएगा। पहले एक बार लाइक मार दीजिए, समझ में आ रही है तो। राइट आंसर क्या होगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था फिरोज शाह तुगलक, जो सबसे पहले ब्राह्मण से भी जजिया टैक्स लिया था। बलवंत तो भैया बलवनी डायनेस्टी का नाम, और अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस है 1303 तौर अभियान। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट देयर इन एट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8th शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज नहीं है? कौन सा लैंग्वेज नहीं है भैया? जो लोग अनअकैडमी पे फ्री लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर दीजिए, नाम सर्च करके। कैटेगरी पूछे एसएससी, एंटर कोड पूछे तो CD10, यहाँ पर लिखा हुआ है CD10 लगा दें। बस 5 क्वेश्चन लेफ्ट है, 5 क्वेश्चन लेफ्ट है, बस 5 क्वेश्चन बचा हुआ भाई। जल्दी शेयर लाइक मार दो जल्दी से, बस 5 से 6 मिनट सेशन चलेगी। देखो भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ राजस्थानी नहीं होगी, राजस्थानी नहीं होगी। ठीक है, डोगरी मैथिली संथाली थी। देखो जब हमारे संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तब तो हमारे संविधान में टोटल 14 लैंग्वेज था, और +8 22 होता है, तो 22 लैंग्वेज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि 8 लैंग्वेज को ऐड किया गया किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू। जो 15 नंबर का लैंग्वेज ऐड हुआ था उसका नाम था सिंधी, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो 15 नंबर का लैंग्वेज सिंधी ऐड हुआ। ठीक है, ये लिख लेना। देन उसके बाद क्या ऐड हुआ? 16, 17 और 18, आप किसके बिना नहीं रह सकते हैं, पानी ऑक्सीजन छोड़ के। पानी ऑक्सीजन छोड़ के आप किसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो बोल सकते हैं आप खाना तो खा ही सकते हैं बट तो आप इसके बिना नहीं रह सकते, नमक चाहिए ही चाहिए। तो N4 होता है नेपाली, M से होता है मणिपुरी, और K से होता है कोंकणी। ये तीनों लैंग्वेज को एक साथ ऐड किया गया, और ऐड हुआ था ये जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखिए पहले 15 3 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी लैंग्वेज और भी यहाँ पे ऐड होता है, 18 4 22 होगा, 22 होगा, तो 18 के बाद 19 20 21 22। तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे बोर्ड मास, BO से होता है बोडो, D से होता है डोगरी, MA से होता है मैथिली, S से होता है संथाली। इसमें एक ही अमेंडमेंट हुआ था, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। भाई समझ में आ गई, तो एक बार लाइक तो मार दियो सभी लोग, जम के लाइक मार दो यार। ठीक है, लाइक ठोक दो यार एक बार। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन होगा यहाँ पर, द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज बाय स्विमिंग।
राइट आंसर होगा यहाँ पर भोला चौधरी, राइट आंसर होगा आपका भोला चौधरी, वेरी गुड, राइट आंसर होगा आपका भोला चौधरी। सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इन साउथ इंडिया। राइट आंसर होगा मसूलीपट्टनम। तो पहला अंग्रेज आने वाला था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, आपके घर में हॉकिंस का पुकार है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आया था वो था आपका कैप्टन हॉकिंस, उस समय इंडिया का बादशाह था मगल, मुगल सलीम, इसके कोर्ट में आया था, 400 मनसब पे सूरत में फैक्ट्री लगा लिया था 1608 में। इसका जो फर्स्ट लीगल फैक्ट्री लगा था साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में 611। भाई लोग कम से कम लाइक तो मार दो यार, जल्दी से लाइक शेयर मारो यार, लाइक शेयर नहीं हो रहा है, पिछले वीडियो में 600 700 800 लाइक हो रहा है, इस वीडियो में क्या हो रहा है, लाइक तो कम से कम करो यार, लाइक मारो यार जल्दी से, ठीक है। क्या दिक्कत है आप लोगों को। 78 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर जल्दी से बताइएगा, ठीक है। देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड कंटामिनेटेड वाटर। तो राइट आंसर होगा आपका जॉन्डिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, कोलेरा नहीं होगा, निमोनिया होगा, ये सब तो होता है, ठीक है, तो निमोनिया नहीं होता, ठीक है, ये सब गंदगी से होता है, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन, बियॉन्ड क्रिकेट प्लेयर जॉन रिचर्ड रीच हु हैज पास और रिसेंटली प्लेड फॉर विच कंट्री। अभी जो है रिचर्ड रीड जो हाल में निधन हो गया, उस किस देश का क्रिकेटर था, वो किस देश का क्रिकेटर था, उसका नाम बताना है, वो किस देश का क्रिकेटर था भैया, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, ठीक है, राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, ठीक है, सीज राइट, ठीक है, सीज राइट, ठीक है। कैपिटल वेलिंगटन है, ठीक है। और हाँ हाँ भैया 2019 में ये हार गया था वर्ल्ड कप, बहुत मेहनत किया था 2019 में, वर्ल्ड कप हार गया और यहाँ पे ब्रिटेन इसका वर्ल्ड कप जीत गया था, लंदन जीता था, बहुत दिनों के बाद गया, फर्स्ट टाइम ही बोलते, ठीक है। यहाँ जो मोनार्क होता है, यहाँ का जो मोनार्क है उनका नाम है, बोल सकते हैं क्या नाम बताओ भाई, एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड यहाँ का जो है मोनार्क है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है, यहाँ का पीएम जो है उसका नाम है, क्या नाम है, जेसिंडा आर्डर्न, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, द वर्ल्ड सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ठीक है भैया, यहाँ पे राइट आंसर होगा, अब राइट आंसर होगा, अगर बात करते हैं तो
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रेटिव वर्ड जोड़ा गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया था, अभी 300A में इसको रखा गया आर्टिकल। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 4 या 3 बोलते हैं, चार लैंग्वेज को ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। और 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हमारे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटीज आया था 10 टाइप का था, 11th नंबर का ड्यूटी ऐड हुआ, हर एक माता पिता का यह अधिकार होगा कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को यहाँ पे क्या करें, एजुकेशन। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, तो देखिए आप सभी को ये नाम जल्दी से आप सभी लोग फॉलो, एक बार लाइक मार दीजिए, क्लास खत्म होने वाली है, फॉलो कर दें और एंटर कोड में CD10 लगाएं। यहाँ आप बिल्कुल फ्री लेक्चर देख सकते हैं। ये मेरी क्लास के जो है टाइमिंग है, यूट्यूब पे 9 बजे होती है NTPC ग्रुप डी की क्लास, थ्योरी पेपर पढ़ने के लिए 6 शाम में 6 बजे ज्वाइन करें वाईफाई स्टडी फंडामेंटल कोर्स पे SSC पे। अनअकैडमी पे 7 PM में क्लास होती है जहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, और अनअकैडमी फ्री में जो होता है MCQ वो 10 बजे रात में। आप इसका जो है क्या सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, 7 PM में होती है अनअकैडमी क्लास डेली, और यहाँ पर जो होती है पॉलिटी, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक जरूर दें, अपना अपना कमेंट लिखें, फीडबैक दें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये कोड एंटर यूज करना है, कोड का नाम है CD10, और ये नाम सर्च करके SSC कैटेगरी में जाकर इसको फॉलो कर देना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।